हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग को हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम के लिए दिया मेरे भाई, आज मैं आप लोग को जा रहा हूँ देने आप लोग को ज्योग्राफी का क्लास नाइन्थ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पीवाईक्यू के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो आप लोग को एग्जाम में 100% इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होने वाले, इसके लिए पूछे जाएंगे। तो 100% इसको करके जाना, 100% बोलता हूँ आप लोग को, 40 में से 40 भी आ सकता है, 40 में से 35 भी, जितना आपके मेहनत के ऊपर है मेरे भाई। अगर लिए जितना मैं क्वेश्चन बताया तो 100% आप लोगों आउट ऑफ भी आ सकता है एग्जाम में। तो 40 नंबर का आप लोगों का होने वाला है, तो कौन कौन सा लेसन आने वाला, कैसे आने वाला, वो सब बताने वाला हूं, और कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरीके से करना चाहिए वो भी ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले यहां पर देखोगे कितना लेसन है आप लोग को, टोटल 12 लेसन है। 12 लेसन में से आप लोग को आने वाला है मेरे भाई यहां पर 6 लेसन। 6 लेसन में से आप लोग को अच्छी तरीके से 6 लेसन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा हूँ बताने, फटाफट इसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। तो सबसे पहले पहला लेसन है, इसमें से क्या क्या करना चाहिए आप लोग को उसको ध्यान से सुना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर आना रहेगा मेरे भाई, कहाँ पर, ये एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज से क्या क्या करना है उसको ध्यान से सुना। सबसे पहले आप लोग राइट और रॉन्ग वाला तो मेरे भाई आप लोग को करना है, एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन वाला करने वाला आप लोग को, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना। एंड यहाँ पर ये वाला जो दिया गया, विच मैथड विल यू यूज, जो दिया गया फॉर दिस फॉलोइंग दिस इन्फॉर्मेशन, तो छोटा छोटा क्वेश्चन है इसको करना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, देखो ये तो आप लोग को छोटा छोटा क्वेश्चन है, एंड ए वाला आप लोग को कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, हो गया पहला लेसन सो क्लियर। इंडोजेनेटिक मोमेंट वाले में से क्या करना है मेरे भाई, जो जो बताऊंगा उसको करके रख लेना, आप लोग एग्ज़ाम में उसके अंदर से ही देखने के लिए मिलेगा मेरे भाई, पहले ही आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो बस आप लोग को सपोर्ट और प्यार बनाना, देखो क्लास नाइन्थ का मैं पहले दे रहा हूँ, इसके लिए जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो, दबा के एकदम शेयर करो अच्छी तरीके से मेरे भाई, ऐसा लगना चाहिए हाँ भाई क्लास नाइन्थ वाले एक्टिव हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर एक इफेक्ट ऑफ द अर्थक्विक दिया, इसको 4 से 5 पॉइंट याद कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे, वेलकनों का दिया गया है, वेलकनों का, एंड उसके बाद आप लोग को नीचे आना है, इसी तरीके से कुछ भी अंदर से नहीं करना मेरे भाई, एक जो बताओ उस यहाँ पे देखो वेलकनों का इफेक्टेड याद कर सकते हो 4 से 5 पॉइंट। एंड एक्सरसाइज से आप लोग को कौन कौन सा करना है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला करना है, एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग को कौन कौन सा गिव द ज्योग्राफिकल रीजन में कौन कौन सा आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। देखो वेलकनोस वाला, ए वाला, एंड ए मोस्टली वाला, ये 3 क्वेश्चन वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एंड बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते वो क्वेश्चन ए हैं। तो इसको अच्छी तरीके से करना है, एंड अगर और करना चाहोगे तो आप लोग सेकेंड वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि ये 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कर लो। आइडेंटिफाई यहाँ पे नाम लिखना है आप लोगों को, सिंपल तरीका, एंड उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो आ जाता है यहाँ पर 6 वाले में से कौन कौन सा पहला करना है, एंड आप लोगों को यहाँ से ए वाला करना है, लाइफ वाला, अच्छा, और उसके बाद आप लोग को और नीचे आओगे तो मेरे भाई कौन कौन से, देखो जो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना ही है। तो ये हो गया है, और ए वाला मैं बोला लाइफ वाला, एंड ए वाला बोला, ए वाला बोला, 3 क्वेश्चन इसमें से मैं बोल रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो और अगर करना रहेगा तो ये चौथा वाला भी कर सकते हो, नहीं करना रहेगा मत करना, बट ए वाला 3 क्वेश्चन करके रखना। एंड यहाँ से देखो ये तीनों आप लोग को करना है मेरे भाई, तीनों करना है, बट इसमें से वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ए है तो है। एंड उसके बाद आप लोग को अरेंज करना है, अरेंज करने वाला मैटर नहीं करता मेरे भाई, और ये जो मैप के रिलेटेड क्वेश्चन है इसको देख सकते हो मेरे भाई। अब आ जाते हैं अपने तीसरे वाले लेसन में, तीसरे लेसन में है एंड यहाँ पर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1। तो इसमें से क्या क्या करना है मेरे भाई, डायग्राम साइग्राम आता नहीं मेरे भाई एग्ज़ाम में, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तो आप लोगों को सिंपल तरीका एक्सरसाइज में चलना है, एक्सरसाइज है आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें से देखो ए वाला हो गया, ए मेरे भाई इसमें से आप लोग कर डालो, ये चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रख लो तो करके रख लो। एंड उसका आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ दिस वेदरिंग, ए बस आप लोगों को यहाँ पर एक एक पॉइंट एक एक नाम लिखना है, एंड उसके बाद आप लोगों को एक कंप्लीट एक्टिविटी वाला अच्छी तरीके से करना है, राइट दिस वेदर ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो इसको भी देख सकते हो मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग देखो इसमें से आप लोगों, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप पूरा दे दे रहे हो, यहाँ पर ये वाला हो गया अच्छी तरीके से, और मेन टाइप्स वाला हो गया, ए वाला हो गया,
तो ये मेरे भाई छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजिली कर सकते हो। आंसर इन ब्रीफ में दिया है, सिर्फ आंसर इन ब्रीफ में सिंपल तरीका, चार पॉइंट याद करो, ज़्यादा नहीं, चार पॉइंट याद ही कर लो। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक्सोजेनेटिक दिया गया है, तो पार्ट टू दिया गया, इसमें से क्या क्या जो बता रहा हूँ उसको कर लेना, नहीं तो बाद में होएगा कि सर बताए थे बट मैंने किया नहीं था। मेरे भाई हिस्ट्री का अपलोड हो चुका है, क्लास नाइन्थ वाले हिस्ट्री का भी अपलोड हो चुका है। यहाँ से रीराइट दिस कैरेक्टर स्टेटमेंट दिया गया है, इसको देख लेना। एंड उसके बाद ये कंप्लीट करने वाला कर लेना मेरे भाई। एंड उसके बाद ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसको देख लेना। एंड आइडेंटिफाई दिस रॉन्ग पेयर ये वाला करके रख लेना, अभी तक एक भी था नहीं मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये जो आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया उसमें से एक ए वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये होने वाला है। एंड उसके बाद एक पहला वाला, दो करके रख लेना बस। एंड उसके बाद आप आ जाते हैं अपने कौन से लेसन पे, पांचवे लेसन पे। पांचवे लेसन से क्या क्या करना है उसको ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना मेरे भाई, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने के, 40 नंबर का मेरे भाई। और देखो इसमें से ये नेमिंग क्रिएचर, देखो ये नाम लिखने वाला आइडेंटिफाई करके, एंड इसे डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई, ऑड मैन आउट वाला पूरा करना है। आंसर इन ब्रीफ वाले में आप लोग को कौन कौन सा करना है उसको मेरे भाई ध्यान से सुना। ऑड मैन आउट में हो गया, आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला करके रखो। एंड शैडोस एरिया ए रेन फॉल वाला करके रखना। एंड एक ही वाला ए हो गया, दो तीन क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से करके रखना। अब उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए मेरे भाई, देखो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन दिया गया ये दोनों, बट ए वाला बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला है, बट मैं दोनों बोल रहा हूँ, दोनों करके रखो। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर ए लेसन नंबर सिक्स पे आ जाओ, लास्ट जो लेसन आप लोग का है इसमें से कौन कौन सा करना चाहिए मेरे भाई। ये देखो एक्टिविटी, सब एक्टिविटी के माध्यम से मेरे भाई, एक दो बार पढ़ोगे तो इजिली लर्न बाय हार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ से ए वाला जो वो एक्टिविटीज़ जो है ना मेरे भाई सब कर डालो। आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वाले में से कौन कौन सा करना चाहिए, देखो इसमें से ग्यू रीज़न लिखना है, ग्यू रीज़न एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन याद करना है मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो बोलूँगा उसको अच्छी तरीके से लर्न करना, पहला करके रखो। एंड उसके बाद आप लोग को ए वाला तीसरा करके रखो, और उसके बाद और करना रहेगा तो मेरे भाई यहाँ पर देयर इज़ द मोर साल्ट ऑफ द पैन ऑफ दिस वाट सैलिनिटी वाला करके रखो। ये तीन क्वेश्चन करके रखना, उसके बाद अगर आपके पास समय मिलता है तो और कर सकते हो, बट ये तीन क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना। एंड आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन ए फैक्टर वाला अच्छी तरीके से करके रखो। एंड उसके बाद आप लोग को कौन सा ए वाला करके रखो, फैक्टर ए भी है। एंड उसके बाद आप लोग को इफेक्टिंग वाला ए वाला अच्छी तरीके से करके रखना, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशनल सैलिनिटी ऑफ द अराउंड दिस ट्रॉपिक कैंसर एंड दिस ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न। तो मेरे भाई ए वाला ने करके ए वाला कर सकते हो मेरे भाई, ए वाला भी बहुत ईजिली हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरे भाई जो भी था मोस्ट इम्पोर्टेंस मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन थे वो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। देख रहे हो यहाँ पर जितने लेसन का था, तो जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया था वो चीज़ मैं बता दिया हूँ। जितना हो सकता वीडियो को शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट है चैनल को मेरे भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। ये मोस्टली क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, वो चीज़ मैं बताऊँ। जो एक्टिविटी वाला मेरे भाई बार बार बोलता हूँ, एक्टिविटी वाला ट्रू फॉल्स ये सब आप लोग को करना है, और जो डिफरेंट बिटवीन दिया वेलकनों का अर्थक्वेक का वो सब आप लोग को करना है, और दो तीन और क्वेश्चन बताए जो उसको अच्छे तरीके से मेरे भाई करना है।